दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट इतिहास पर। आपने क्रिकेट में प्लेयर्स तो बहुत देखे होंगे, काफी सुना भी होगा, लेकिन क्या आपने क्रिकेट के सबसे बड़े जोकर के बारे में सुना और देखा है? चलिए हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के लिए वो उनके हीरो हैं, लेकिन दुनिया के लिए वर्ल्ड क्रिकेट के वो जोकर नंबर वन रहे हैं। जी हाँ, वो जोकर हैं। कोई बात नहीं सनोरिटा, बड़े बड़े मैचों में ऐसे छोटे छोटे जोकर मिलते रहते हैं। एक तो उनके एक्शन ग्राउंड पर बहुत ही फनी होते थे, जरा देखिए। यही नहीं, वो जब मुंह खोलते यानी कुछ भी बोलते तो हो जाता था और भी सत्यानाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियां दाद की। भैया जावेद भैया, मुझे लगता है कि तुमसे पाकिस्तान सरकार को टिकट लगा देना चाहिए, इसी बहाने बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, पाकिस्तान की कमाई हो जाएगी। भैया जो अपने स्वभाव, कारनामों और तुतलाती जुबान में ऑन ग्राउंड फनी बातों और जुमलों की वजह से बिग जोकर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड के नाम से उभर कर सामने आ गए। मैंने एक से बढ़कर एक जोकर देखे हैं, लेकिन तुमसे बड़ा जोकर आज तक नहीं देखा है मैंने, नहीं देखा। बात बहुत पुरानी है, जब कपिल देव भारतीय टीम के कैप्टन होते थे। भारत और पाकिस्तान उस दौरान एक मैच खेल रहे थे और मोहिंदर अमरनाथ बॉलिंग करने के लिए सामने थे और उनके सामने बैटिंग कर रहे थे, जी हाँ, जावेद मियां दाद। जैसे ही अमरनाथ उनको बॉल डालते, मियां दाद बॉल को हिट करते और एक रन लेने के लिए भागते थे। और जब वो रन लेने के लिए भागते थे तो अमरनाथ के पास आते थे और वहां पर आके वो एक बात बार बार उनसे बोलते, तेला रूम नंबर क्या है? तेरा रूम नंबर क्या है? अमरनाथ ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर दोबारा से जावेद मियां दाद ने बॉल को हिट किया, फिर वो रन लेने भागते और फिर दोबारा से आकर उन्होंने अमरनाथ से वही बात बोली, बता ना तेला लूम नंबर क्या है? अमरनाथ ने कहा, ये क्या पागल हो गया क्या? अमरनाथ फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर गए, उन्होंने फिर बॉल करी और फिर वही बात, वो रन लेने के लिए उनके पास आते और फिर से पूछते, बताना बताना तेला लूम नंबर क्या है? ये जोकर जोकर नहीं है, ये फोकट है। इसको देख के किसी को भी हंसी आ सकती है। तीन चार बार ऐसा हुआ और जावेद मियां दाद अमरनाथ से पूछे जा रहे थे, अंपायर भी कुछ नहीं बोल रहे थे और उधर कपिल देव ये सब नजारा देख रहे थे। हार कर कपिल देव ने अमरनाथ से पूछा कि क्या बात है, ये तुमसे क्या कह रहा है, तुम डिस्टर्ब मत हो, अपनी बॉलिंग पर फोकस करो। तो अमरनाथ ने कहा, ये बार बार रन लेकर मेरे पास आता है और पूछता है तेला लूम नंबर क्या है। फिर परेशान होकर कपिल देव जावेद मियां दाद के पास गए और बोले, भाई क्या बात है, तुम बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं इसलिए इससे रूम नंबर पूछ रहा हूँ कि मैं इसको वहीं पे छिक्का मालूंगा। अब गालिब के मजार की बुझी हुई मोमबत्ती मेरी अर्थी के फूल, मैंने बड़े बड़े जानवर जोकर देखे लेकिन तुझ जैसा जोकर आज तक नहीं देखा, समझा? ज़्यादा मत बोल, खामोश। मतलब उनका ये था कि मैं यहाँ से शॉट मारूंगा और जाके इनके रूम में जाके गिरेगा, मतलब मैं यहीं से वहां छक्का मारूंगा, इसलिए रूम नंबर पूछ रहा हूँ। देखिए जोकर पंती का भी जवाब नहीं। बेटा आज समझ आया कि तुम जोकर नहीं जानवर हो और तुम्हें चिड़िया घर में रखना चाहिए और तुम पे टिकट लगाना चाहिए। जावेद को ये कहूँगा, सलाम जावेद, पहले सनी आपसे बात करते हैं, पहले ये बताओ तुम्हारा मजा आ रहा है, तुम्हारा रूम नंबर क्या है एडलेड में? आप रूम नंबर क्यों जानना चाहते हैं? अब बात 1992 के वर्ल्ड कप की करते हैं। इंडिया पाकिस्तान अपना वर्ल्ड कप का लीग मैच एक दूसरे के सामने 17 साल के बाद खेल रहे थे। सारी दुनिया इस मैच का इंतजार कर रही थी, आखिर वो डे नाइट मैच का पल आ ही गया। ये वही मैच है जिसमें पाकिस्तान के धुरंधर बॉलर जो पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट थे, वकार यूनुस, उनको अजय जडेजा ने काफी अच्छे से धोया था और एक ही ओवर में 24 रन ठोक दिए थे। इस मैच में बहुत कुछ घटा था दोस्तों, जैसे आमिर सोहल बार बार वेंकटेश प्रसाद को बोलते थे कि प्रसाद प्रसाद तुझे वहीं बाउंड्री पे मारूंगा, बार बार चौका ही जाएगा, और उसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया था, उसके बाद तो आमिर सोहल का करियर ही खत्म हो गया।
arguing with the bowler or telling him what he's doing. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amir Sohail. इस मैच में काफी कुछ घटा। ये मैच पाकिस्तान की हार के लिए माना जाता है। हम बात कर रहे हैं जावेद मियादाद की जोकरपंती की। इसी मैच में पाकिस्तान हारने ही वाला था और झुंझलाए जावेद मियादाद अचानक विकेट कीपर किरण मोरे से लड़ पड़े। हुआ यूं कि बार बार जावेद मियादाद के लिए पीछे से किरण मोरे अपील कर रहे थे आउट की, और जावेद मियादाद उनको देख रहे थे। जावेद मियादाद गुस्से में तो थे ही, क्योंकि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ये मैच हार चुका था। और देखिए गुस्से में उन्होंने क्या हरकत की। एंड नॉट आउट इज द फाइनल डिसीजन। वो इंसान से बंदर बनते नजर आए, पिच पर उछल रहे थे। हम अंग्रेजों के जमाने के जोकर है। अरे जब जावेद नहीं सुधरा तो हम क्या सुधरेंगे। एक बार तो उन्होंने बॉलर को रोक दिया। किरण मोरे से बहुत सारी बातें करने लगे। मोरे से वो ऐसी बातें कर रहे थे तो शायद बाहर सुनाई नहीं देती, बाहर नहीं सुनाई देती हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तू क्या बोले डाला पीछे से? किरण मोरे ने बोला होगा कुछ नहीं, मैं तो अपना खेल खेल रहा हूँ, आप ही बंदर की तरह उछलते नजर आ रहे हो। गाँव वालों, ये बुढ़िया ने बसंती से शादी ना करके देखो मुझे जोकर बना दिया। मैं टंकी पे चढ़ा हुआ सबसे बड़ा जोकर जावेद की तरह लग रहा हूँ ना मौसी? मौसी जी, अब इस तरह के जवाब से नेचुरली स्लेजिंग होती है, तो दोनों तरफ से होती है, सवाल जवाब बराबर चलते हैं। और जावेद मियादाद झुंझला कर बार बार एक ही एक्शन किए जा रहे थे। देखिए ये नजारा हम आपको फिर से दिखाते हैं। इस मैच की जो यादगार तस्वीर मेरे जो जहन में रहती है वो जावेद मियादाद का किरण मोरे की नकल उतार। नतीजा पाकिस्तान ये मैच इंडिया से हार जाता है। दोस्तों ऐसा ही एक और किस्सा, जब मियादाद कुत्ते बनते नजर आए पिच पर। जी हाँ, भौं भौं करने लगे वो। अरे ओ सांभा, अरे कितने जोकर थे रे, क्या वहां पे जावेद भी था? 50-50 कोस दूर जब जोकर सारे रोते हैं तो उनकी माँ कहती है सो जाओ वरना सबसे बड़ा जोकर जावेद आ जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच, इंटरनेशनल मैच में वो पिच पर भौं भौं करने लगते हैं कुत्ते की तरह। पहला बॉल पैड किया, दूसरा बॉल पैड किया, तीसरा बॉल पैड करने के बाद उसने आप जरा सोचिए कि उस वक्त सारे खिलाड़ी जो वहां पर होते होंगे वो क्या सोचते होंगे। भारत टेस्ट मैच में स्पिनर के साथ उतरा, जावेद मियादाद को रन ना बनाने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार जावेद मियादाद को लेग साइड पर बॉलिंग करना शुरू किया। जावेद मियादाद बार बार अपने पैर से उस बॉल को टक करते थे। देखिए उसके बाद क्या कहा उन्होंने। वो पिच पर इंसान से कुत्ता बनकर बार बार पिच पर भौं भौं करने लगे। जब एम्पायर ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो अपनी तुतलाती जुबान में वो एम्पायर से जाके बोले, जावेद अपना विकेट के लिए क्या होगा ये भौं भौं क्या करे। अरे भौं भौं नहीं करो तो क्या, कुत्ते जैसी मेरी टांग पकड़े, इधर बॉलिंग करने को बोल। वाह जावेद वाह, आपकी जोकर पंथी का जवाब नहीं है, बड़े बड़े देखे लेकिन आप जैसा जोकर देखा नहीं आज तक। जावेद मैंने अपनी जिंदगी में एक से एक कलाकार देखे हैं, बहुत सारे जोकर देखे हैं, लेकिन तुमसे बड़ा जोकर आज तक नहीं देखा। तुम बिल्ली बनना चाहते हो, कुत्ते बनना चाहते हो या बंदर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो वो जल्दी बताओ जावेद, हम तुम्हारा उसी हिसाब से हिसाब कर देंगे। हाय।